आज मुझे इस अस्पताल में काम करते हुए 2 साल गुजर गए थे। कुछ दिनों बाद मेरी शादी थी, लेकिन जिस शख्स से मेरी शादी करवाई जा रही थी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। अब वह कहते थे कि शादी हमारी मर्जी से करनी है। मैं अपने फोन पर मसरूफ थी जब मुझे यह खबर मिली। मेरी एक साथी डॉक्टर ने मुझे फोन किया। उसने कहा कि रात को हमारे यहाँ एक औरत की डिलीवरी हुई है। तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी नहीं थी, बड़ा अजीब मामला हुआ है। मैंने कहा कि कैसा मामला, तो कहने लगी कि रात को एक औरत आई थी, उसके यहाँ बेटा होने वाला था। उसका बच्चा बहुत कमजोर था और हमने अपनी आंखों से देखा कि वाकई उसका बच्चा होने वाला था, लेकिन जैसे ही हमने डिलीवरी की उसका बच्चा गायब हो गया और कहाँ गया यह कोई भी नहीं जानता था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इस औरत का बच्चा इसके शौहर की तरफ से नहीं था, बल्कि वह एक बदकिरदार औरत है, इसीलिए इसका बच्चा गायब होकर किसी नापाक जानवर की कोख में चला गया है। जब से यह बात उस औरत ने सुनी है, वह तो पागल हो गई है और उसके घरवाले उसे यहाँ से ले गए हैं। मैंने कहा कि यह कैसे हो सकता है। उसने कहा, हाँ हम भी यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन बच्चा गायब हो गया है। ना किसी सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज है, ना किसी ने उसे बाहर ले जाते हुए देखा है। पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तो खुद हैरान हूँ। उस लड़की के साथ उसकी माँ थी। कह रही थी मेरी बेटी पर काला जादू हुआ है। यह हैरान हुई और मैंने कहा कि मैं रास्ते में हूँ, आकर बात करती हूँ, जबकि मैं सोच रही थी कि ये कैसा मामला है, एक औरत के पेट से बच्चा कैसे गायब हो गया। जिस डॉक्टर ने यह बात बताई थी, वह डॉक्टर होकर भी ऐसी बातों पर यकीन रखती थी। यही सोचती हुई मैं अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल में दाखिल हो रही थी, जब सामने एक अजीब सा मंजर दिखा। 2 लड़कियां थी जो एक कुत्ते को किसी बोरे के ऊपर रखकर दोनों तरफ से पकड़कर खड़ी थी और गार्ड से झगड़ा कर रही थी कि इसे अस्पताल में लेकर जाना है। गार्ड उनको गुस्से से कह रहा था कि यह इंसानों का अस्पताल है, जानवरों का नहीं, पर वो बार बार उससे झगड़ा भी कर रही थी और साथ साथ रो भी रही थी कि हमें किसी डॉक्टर को दिखाने दे। मैंने यह मंजर देखा तो पहले तो मैं पास से गुजर गई, लेकिन फिर मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि जरा गाड़ी पीछे लो। मैंने उन लड़कियों को देखा और बाहर निकली। मैंने कहा कि जी क्या मसला है आपको। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहिबा है ना। मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि मैंने कोट पहन रखा था। उन्होंने कहा कि इस कुत्ते को देख ले, इसके पेट के अंदर कुछ है। मैंने कहा कि यह कुत्ता तो मर चुका है। उन्होंने कहा जी मर चुका है, लेकिन इसके पेट में कुछ तो है। कुत्ते की हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। कुत्ता पेट की तरफ से बहुत सूजा हुआ था। मैंने कहा कि यह इंसानों का अस्पताल है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि यह इंसानों का अस्पताल है, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इस कुत्ते के पेट के अंदर एक। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ऐसा ही है, तभी तो हम इसे उठाकर यहाँ लाए हैं। इसके पास बहुत भीड़ था, लोग तो सिर्फ देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। पहले ही बहुत वक्त बर्बाद हो गया है, मेहरबानी करके हमारी मदद करें, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। मैंने कहा कि यह कुत्ता मर चुका है और तुम लोगों को कोई वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले तो हम भी यही समझ रहे थे, लेकिन हमने अपने कानों से आवाज सुनी है, आप हमारी मदद करें। मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ भी तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा, और यह बात अगर बाहर निकल गई तो इस अस्पताल की भी बदनामी होगी और हमारे मुआशरे में एक ऐसी कहानी उभरने लगेगी जिसको लोग सुनकर न जाने क्या क्या नतीजे निकालेंगे, क्योंकि इंसान कहानियों को सुनकर ही अपने दिमाग के हवाले से नतीजे निकालता है। उस लड़की ने कहा कि नतीजे निकालेंगे तो क्या हो सकता है, क्योंकि यह झूठ नहीं है, यह हमारे मुआशरे का एक भयानक रूप है जो अब हमारे सामने आ चुका है। उन्होंने मुझे अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर कहा कि हमारी मदद करें। मैंने एक नज़र उस कुत्ते की तरफ देखा और एक नज़र उन लड़कियों की तरफ। मैंने कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ, आप मेरे साथ चलें। जब मैं उसे अंदर लेकर आ रही थी तो सब लोग हैरान होकर देख रहे थे, यहाँ तक के अस्पताल के इंचार्ज तक भी यह बात पहुँच गई। उसने कहा कि यह 2 लड़कियां मुझे पागल लगती है, लेकिन आप तो समझदार हैं, इनको क्यों अपने साथ ले आए हैं? और यह सब क्या है? मैंने कहा कि डॉक्टर मुझे इन्होंने जो बात कही है, मैं उसके बाद इनको अंदर लेकर आई हूँ। अगर ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई तो इनको सजा दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने हम सब का टाइम खराब किया है।
लेकिन अगर सच में ऐसी बात है तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दफा यह मामला अपनी आंखों से देख लें। जब मैंने डॉक्टर को यह बात बताई जो यहाँ की इंचार्ज थी तो वह भी हैरान हुई। उन्होंने कहा कि ये दोनों लड़कियाँ ही मुझे बेवकूफ और गैर संजीदा लग रही है, रास्ते से मरे हुए कुत्ते को उठा लाए है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि इनको यह सब करने की जरूरत क्या थी। अभी हम लोग यही बहस कर रहे थे, इंचार्ज डॉक्टर कह रही थी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, यह इंसानों की जगह है, यहाँ पर हम इस कुत्ते को नहीं रख सकते, सारी जगह गंदी हो जाएगी। अचानक से हमारे कानों ने सुना, यह अस्पताल था, यहाँ पर रोजाना न जाने कितने बच्चे पैदा होते थे, किसी बच्चे की रोने की आवाज आना कोई इतनी हैरानकुन बात नहीं थी। इसके पास के किसी कमरे में कोई बच्चा होगा जो रो रहा होगा। लेकिन जब दोबारा आवाज आई तो कदमों तले से जमीन निकल गई। फौरन से ही उस कुत्ते को इंसानों को रखने की जगह पर रख दिया और जल्दी जल्दी सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। जो इंचार्ज डॉक्टर थी वो यहाँ पर फिलहाल कोई केस नहीं लिया करती थी, कोई बहुत ही ज्यादा पेचीदा केस होता तो उनकी मदद ली जाती थी। लेकिन वो भी सामने आकर खड़ी हो गई और मेरे साथ मिलकर यह देखने लगी कि आवाज कहाँ से आई है, क्योंकि हमें बच्चे की आवाज बहुत ही करीब से आई थी और ऐसी आवाज आई थी कि जैसे बच्चा या तो किसी गहरी चीज के अंदर है या फिर उसे चार पांच कपड़ों के अंदर लपेटा हुआ है और तब उसकी आवाज आ रही है। उन लड़कियों को बाहर भेज दिया गया। उनकी हालत भी अजीब सी थी, उनके हाथ कांप रहे थे, वो बुरी तरह से रो रही थी। थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने अपनी जिंदगी का सबसे अनोखा केस और सबसे अजीब मौजा देखा था। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ भी बोलते या कोई भी नतीजा अखज करते, हमने उन लड़कियों को अपने ऑफिस में बुलाया। उसमें से एक का नाम उरूज था और एक का नाम माहीन था। जो उरूज थी वह बहुत ज्यादा परेशान थी और रो भी रही थी। एने कहा कि तुम्हें यह कुत्ता कहाँ से मिला और तुम इसे यहाँ उठाकर क्यों लाई हो। उसने कहा कि हम लोग तो रोज की तरह अपने कॉलेज जा रहे थे, ये मेरी दोस्त है, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जब हम इस कुत्ते के पास से गुजरे तो हमें भी बच्चे के रोने की आवाज आई। हम लोग बहुत हैरान हुए, सोचा कि हमारा वहम है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो मंजर देखा डॉक्टर साहिबा मैं बता नहीं सकती। आपको क्या बताएं? यह दुनिया इतनी बुरी है, बस इसको उठाकर आपकी तरफ आ गए। एने कहा कि और क्या जानती हो तुम? तो उसने कहा, कहना तो नहीं चाहती लेकिन मैं इससे ज्यादा भी कुछ जानती हूँ। दरअसल मुझे पता है कि यह सब कुछ किसने किया है। यह बात सुनकर हैरान रह गई। एने कहा कि किसने किया है? तो कहने लगी कि मेरी एक भाभी है जो हमसे अलग रहती है, हम लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े की वजह से बीच में दीवार डाली है। उन्होंने हमारे भाई को अपनी बातों में लगाया और हमसे हर रिश्ता तोड़कर घर अलग कर लिया। घर हमारा अपना था इसलिए बीच में दीवार डाल ली। लेकिन भाई के दिल में न जाने क्या बात आई कि उसने 2 महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली। अब अपनी दोनों बीवियों के साथ अलग घर में रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी उनके घर से ही फूटी है, यह सब कुछ उन तीनों ने ही किया है। एने कहा कि तुम्हें यकीन है? उसने कहा कि हाँ, क्योंकि यह कुत्ता भी उधर ही पड़ा था और मेरी एक भाभी के यहाँ बच्चे की विलादत भी होने वाली थी, हमें वो लोग कुछ बताते नहीं, लेकिन घर इतना करीब है कि बीच में सिर्फ एक दीवार है इसलिए हमें उनकी बातें सुनाई देती है। एने कहा कि फिर तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना होगा। मैं डॉक्टर थी, मेरा काम तो खत्म हो चुका था, लेकिन मैं इस मामले की तह तक पहुंचना चाहती थी क्योंकि यह मामला कोई सीधा मामला नहीं था। मुझे जानना था कि क्या इस दुनिया में इस तरह के लोग भी रहते हैं। एने उन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाया और घर की तरफ चल पड़ी। घर तो इनका ज्यादा दूर नहीं था लेकिन हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। रास्ते में मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारी दोनों भाभियां किस मिजाज की औरतें हैं, तो कहने लगी कि दोनों ही अपनी जगह अजीबोगरीब है। पहली भाभी का नाम समीना है, उनको बस मेरे भाई को लेकर अलग होना था, जबकि उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि हमारा हमारे भाई के अलावा और कोई नहीं है। मैं सुबह कॉलेज आती हूँ, शाम को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरी अम्मी घर में कपड़े सीती है और इस तरह हमारा गुजारा होता है। एने कहा कि क्या तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करता? तो कहने लगी कि कभी कभी थोड़े बहुत पैसे तो पकड़ा जाता है, लेकिन उन पैसों से हमारा गुजारा नहीं होता, वह भी अपनी बीवी से छुप छुप कर देता है। भाभी ने हमारे सामने कभी कोई बात नहीं की, ऊंची आवाज में कुछ नहीं बोली,
बस भाई के कान भरती रही, अपने आप को मजलूम बनाती रही और कहती रही कि मुझे अलग होना है, मुझे अलग घर चाहिए, ये मेरा हक है। बिलाखिर भाई ने उसकी बात मान ली, लेकिन फिर भाई ने दूसरी शादी भी कर ली और इस बात का पहली भाभी को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था। हमें रातों को उनके रोने की चीखने की आवाजें आती थी। मैंने कहा कि तुम्हारी दूसरी भाभी कैसी है, तो कहने लगी कि वो बहुत ही बुरी औरत है, उसने भाभी का जीना हराम किया हुआ है, वह पूरा दिन एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करती है, वह समीना भाभी से जानवरों की तरह लड़ती है, उनके लड़ने की आवाजें पूरा मोहल्ला सुनता है और वह भाई को अपने इशारों पर नचाती है। लेकिन हम तो इस बात पर हैरान है कि भाई ने उससे शादी क्यों की है। मैंने कहा कि क्या तुम्हारा भाई भी शौकीन मिजाज है, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहिबा मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो मेरा भाई है वो, मुझे क्या पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन आप यूं समझ ले कि उसका दूसरी शादी करना ऐसे ही है कि जैसे सूरज मशरिक से नहीं मगरिब से निकला हो, क्योंकि वह अपनी पहली बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता था, दोनों की मोहब्बत की शादी थी, पता नहीं उसने दूसरी शादी क्यों की है। ऐने कहा कि यह बच्चा किसके यहाँ पैदा होने वाला था, तो उसने कहा कि मेरी पहली वाली भाभी समीना के यहाँ विलादत होने वाली थी, लेकिन अम्मी कहती है कि दिन तो ऊपर हो गए हैं, अभी तक बच्चे की आवाज नहीं आई। मेरी अम्मी को बच्चे को गोद में उठाने का बहुत शौक है, वह कहती है कि मेरे इकलौते बेटे की औलाद है, मैं इसे पालना चाहती हूँ, उठाना चाहती हूँ, पर भाभी ने पहले ही कह दिया कि इस बच्चे से आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। अम्मी दिन रात होती है, परेशान रहती है, कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाती है तो बद्दुआएं देना भी शुरू कर देती है। मैं उनको मना करती हूँ कि ऐसा ना किया करें। हम लोग घर पहुँच गए तो दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा उरूज की दूसरी भाभी नीलम ने खोला था। ऐने जब उस औरत को देखा तो उसे देखते ही मैं पहचान गई कि वह कोई आम औरत नहीं है। जिस तरह से उसने चुस्त लिबास पहन रखा था, दिन में भी इतना ज्यादा मेकअप कर रखा था, इतना खुला गला पहन रखा था, ऐसी औरतें मर्दों को अपने इशारों पर नचाने के फन खूब जानती है। तभी तो उसके भाई ने दूसरी शादी की थी। उसने जब उरूज को देखा तो कहा कि उरूज तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यह मैडम कौन है। ऐने कहा कि क्या हम अंदर आकर बात कर सकते हैं। उसने कहा कि हाँ आ जाओ, अब दरवाजे में खड़े होकर तो बात हो नहीं सकती, लेकिन तुम हो कौन। उरूज ने कहा कि यह डॉक्टर साहिबा है और पूछने के लिए आई है कि समीना भाभी की तबीयत कैसी है। इस बात पर वह हंसने लगी। उसने कहा कि समीना तो यहाँ पर है ही नहीं, तो उसकी तबीयत पूछने के लिए यहाँ पर क्यों चले आए हो। ऐने कहा कहाँ है समीना भाभी, तो कहने लगी कि वह अपने घर चली गई है। ऐने कहा कि पर उनके यहाँ तो औलाद होने वाली थी, वह हो गई क्या। तो उसने कहा कि हमें नहीं पता हुई है या नहीं, होने वाली थी, वक्त भी पूरा हो गया था, लेकिन पता चला है कि उसकी औलाद इस दुनिया में आई तो थी लेकिन जिंदा नहीं बची, इसलिए वह औरत पागल हो गई है, तभी तो तेरे भाई ने उसे उसके मायके भेज दिया है, अब वो वापस नहीं आएगी, इस कदर पागल हो गई है, अपनी औलाद के पीछे के खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, अगर मर जाती तो उसका इल्जाम तो हम पर आ जाता, बस चली गई है यहाँ से, अच्छा हुआ दफा हो गई। उरूज से कहने लगी कि अगर ऐसा है तो फिर वह बच्चा कहाँ है जो इस दुनिया में नहीं रहा, क्या उसे दफना दिया है। तो उसकी जल्लाद भाभी ने बड़ी अजीब बात की, उसने कहा कि दफनाने वाला नहीं था, वह पहले ही इस दुनिया से चला गया। यह बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि उरूज चलो तुम्हारी दूसरी भाभी के घर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा जरूरी काम करना है। मैं जाकर बाहर रखी एक चारपाई पर बैठ गई। उरूज भी मुझे देखकर हैरान होने लगी। अब मुझे गुस्सा आ चुका था और मेरे पास यह सब करने का हक भी था। मैं डॉक्टर भी हूँ, मेरे पास रिपोर्ट थी, मेरे पास गवाह थे, मुझे पता था कि उस औरत के साथ क्या करना है। उसने कहा कि यह तुम किसको अपने साथ ले आई हो, न जान ना पहचान में तेरा मेहमान आकर हमारे सामने बैठ गई है, क्या करना चाहती है यह, इसके हाव भाव तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। उसने अपने शौहर को फोन करके बुलाया, पर शायद वह किसी काम में मशरूफ था। फोन के अंदर से मध्यम सी आवाज आई थी कि मैं अभी नहीं आ सकता, एक घंटे बाद आऊंगा। ऐने रिकॉर्डिंग पर कॉल चला दी और पुलिस को बुला लिया। उस औरत को यह बात पता चल गई, वह अजीब सी हालत में आ गई।
अब यह गुस्सा करती, कभी बातें करती, कभी कहती, निकलो यहाँ से। मैंने कहा कि तुम हमें यहाँ से नहीं निकाल सकती, पुलिस आएगी और वह तुम्हें यहाँ से निकालेगी। थोड़ी देर के बाद ही पुलिस आ गई। एने अपने भाई को भी बुला लिया था, वो एक समझदार आदमी था, उसे भी सब कुछ बताया। वह भी हैरान रह गया, अब वो हमारे साथ था। एने पुलिस को कहा कि इस औरत को पकड़ ले, क्योंकि इस औरत ने एक मासूम बच्चे को चुराया है और उसे चुराने के बाद उसके साथ बहुत ही भयानक खेल खेलने की कोशिश की है। इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। पुलिस के साथ लेडीज कांस्टेबल भी थी। उन्होंने उस नीलो नामी औरत को पकड़ लिया। वह फरियादे करने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे खिलाफ क्या सबूत है तुम लोगों के पास? तुम एने कहा कि सबूत तो है हमारे पास, क्योंकि जिस जगह तुमने बैठकर यह काम किया है वहां पर एक पोल लगा हुआ था और उस पोल के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा भी था जो सामने होटल वालों ने लगाया था, क्योंकि वहां से उनके होटल को रास्ता जाता था। उसी से टीवी कैमरे में सारी फुटेज भी आ चुकी है कि तुमने वह भयानक खेल किस तरह खेला और कैसे एक मासूम जान को तुमने दांव पर लगाया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसका शौहर भी वहां पर आ चुका था। उसने कहा कि हाँ, यह सब कुछ मैंने किया है, मेरी सौतन के यहाँ औलाद होने वाली थी। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके यहाँ बेटा होने वाला है। बच्चा कमजोर है लेकिन इस दुनिया में आ जाएगा। उसका बच्चा भी इसीलिए कमजोर था क्योंकि मैं उससे दिन रात झगड़ा करती थी और वह पूरा दिन रोती रहती थी, क्योंकि मेरे शौहर ने मेरे बाप से बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था और जब ये वापस न कर सका तो मेरे बाप ने कहा तो फिर घर हमारे नाम करना होगा, लेकिन ये हमारे सामने मिन्नतें करने लगा। मुझे यह पहले से ही पसंद था, इसलिए मैंने कहा कि अगर मुझसे शादी करके मुझे साथ ले जाता है तो फिर उसका कर्जा माफ हो जाएगा। मेरी पहले भी शादी हुई थी लेकिन मेरे बच्चे नहीं थे और मेरी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैं किसी जवान जहां लड़के से शादी करना चाहती थी। मुझे ये पसंद आ गया तो मैंने अपने बाप से कहा कि आप मेरी इसके साथ शादी करवा दें और जो पैसे इसने सूद पर लिए थे वह माफ कर दें। बस इस तरह मैं इसकी जिंदगी में आ गई। उरूज की माँ भी शोर सुनकर वहाँ पर आ चुकी थी। वह यह सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा कि तूने मेरे बेटे की मजबूरी का फायदा उठाया, तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो नीलम कहने लगी कि इतना भी मजबूर नहीं था, हमसे पैसे लिए थे उसने सूद पर। अगर आपका बेटा इतना ही समझदार होता तो सूद पर कभी पैसे ना लेता। एने उस लड़के को देखा, वह बेचारा शक्ल से मासूम लग रहा था, पता चल रहा था कि एक मजबूर आदमी है। नीलम ने बताया कि समीना मुझसे बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी, अपने ऊपर बड़ा गुरूर करती थी, कहती थी कि मेरे यहाँ औलाद होने वाली है, बेटा पैदा करके दे रही हूँ मैं, और जब मैं एक बेटे की माँ बन जाऊंगी तो फिर मेरा शौहर मेरे पास वापस आ जाएगा और तुम्हारी तो कभी औलाद हो नहीं सकती, क्योंकि तुम तो बाज हो, इसीलिए तो तुम्हारे पास यह प्लस पॉइंट नहीं है, पर मेरे पास है। पहले एक औलाद पैदा करूंगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर देखती हूँ कि वह अपनी पहली बीवी और बच्चों की माँ की साइड लेता है या एक समझौते में आ गई औरत के हक में बोलता है, क्योंकि औलाद बहुत बड़ी चीज होती है, मर्द औलाद के लिए ही शादी करता है। वह अपने ऊपर बहुत गुरूर करती थी, नाज करती थी। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं उसे और उसकी औलाद को इबरत का निशान बना डालूंगी। मैंने उसकी औलाद को चुरा लिया। उसका बच्चा बहुत कमजोर था, 1.5 किलो का था, उसे मैंने एक कुत्ते के पेट में रख दिया और यह बात सारे इलाके में फैला दी कि वह बच्चे के सदमे में पागल हो गई और उसका वह बच्चा जिसके सहारे वह मुझसे जंग जीतना चाहती थी अपने अंजाम को पहुंचा दिया। मैंने उसे एक कुत्ते की कोख में रख दिया और सारे इलाके में मशहूर कर दिया कि उसकी अपनी करतूतों की वजह से बच्चा उसकी कोख से गायब हो गया है और किसी नापाक जानवर की कोख में जा समाया है। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे डॉक्टर की बात याद आ गई। मैं इतनी जल्दी में थी कि उससे बात भी नहीं कर पाई, पर अब मुझे अंदाजा हो गया था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। उसने तो जो देखा वही कहा, पर वह थोड़ी बेवकूफ जरूर थी कि उसे पता ही नहीं चला कि बच्चा कैसे गायब हुआ, क्योंकि अस्पताल का अमला भी नीलो के साथ मिला हुआ था। नीलो के बाप के पास बहुत पैसे थे, वह किसी का भी ईमान खरीद सकती थी और उसने यही किया था। उसका शौहर भी हैरान रह गया। नीलो को तो पुलिस ले गई, पर उरूज का भाई, उसकी माँ, उरूज और मैं वापस अस्पताल आए। मैंने अस्पताल वालों को बाकी की दास्तान सुनाई और कहा कि पता करें वह केस किसने हैंडल किया था, उन सबको भी पुलिस के हवाले कर दे।
उसके बाद हम लोग समीना के घर पहुँचे। उसकी अम्मी ने दरवाजा खोला और कहा कि आप लोग भी टीवी वाले हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले टीवी वाले आए थे, हमसे अजीबोगरीब सवाल कर रहे थे। नहीं नहीं, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। लेकिन फिर उसने हमें जब गौर से देखा तो है हैरान रह गई। हम लोग कमरे में दाखिल हुए, समीना सामने ही पड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैं फौरन आगे बढ़ी, मैंने चेक किया, उसे बहुत तेज बुखार था। अभी अभी उसने बच्चा पैदा किया था और उसके बाद उसे इतना बड़ा सदमा मिला। उसने कहा कि मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। वह अपने आप से ही बातें कर रही थी। अजीब सी हालत में आ गई थी, ऐसा लगता था कि पागल हो गई है। उसके शौहर ने जब यह मंजर देखा तो वह रोने लगा और कमरे से बाहर चला गया। समीना ने नहीं देखा था कि कमरे में कौन कौन दाखिल हुआ है। वह भी अपनी ही दुनिया में थी। मैंने अपनी सास के साथ बुरा किया था, अपने शौहर को उसकी माँ से दूर कर दिया था, इसलिए मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो गया, चला गया। वो मुझे छोड़कर नाराज हो गया। मुझे अल्लाह ने कैसी सजा दी, मेरे साथ यह क्या हो गया? मैंने उसे पुकारा और कहा कि मेरी बात गौर से सुनो समीना, मेरी बात गौर से सुनो। लेकिन वो बात नहीं सुन रही थी। और फिर मैंने एक अजीब मंजर देखा कि उसकी सास आगे बढ़ी। वह सास जिसके साथ उसने जाहिरन तो कुछ बुरा न किया था, लेकिन अपना हक लेकर उसे उसके बेटे से दूर किया था, घर का बंटवारा जरूर करवाया था। वह आगे बढ़ी और समीना को गले से लगाकर उसे तसल्ली देने लगी कि बेटी, मैंने तुझे माफ कर दिया, तू तो मेरी बेटी है, तूने तो कभी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी, बस अपना हक लिया था और वह तेरा हक था। बेटा, हम गलती पर थे, तेरी गलती नहीं थी, तू अपने आप को संभाल। वह भी अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। यह मंजर देखकर उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। तो यह औरत तो मेरी बेटी से इतनी मोहब्बत करती है, फिर मेरी बेटी इसके साथ रह लेती तो क्या हो जाता? उरूज भी रो रही थी। उसके शौहर को अंदर लेकर आए। उसने आकर समीना से माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने उस औरत को तलाक दे दी है, उसे पुलिस पकड़कर ले गई है, अब वह हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। मैं मजबूर था, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे, मैं उसके बाप का मकरूज था, इसलिए सब कुछ हुआ। अब समीना अपने होश में आने लगी और सारों की बातें सुनाने लगी। उसकी सास ने उसे माफ कर दिया, उसका शौहर उसे वापस मिल गया था, लेकिन उसका दुख तो अपनी जगह पर था। उसने कहा कि मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा ना, मेरा बेटा तो इस दुनिया से चला गया। तब मैंने उस नर्स को अंदर बुलाया जो गाड़ी में ही बैठी थी। वह अंदर आई तो समीना ने उसे देखा और हैरान रह गई। अपनी बीमारी की भी फिक्र ना की, फौरन उसकी तरफ बढ़ी और बच्चे को उठाकर गले से लगा लिया, क्योंकि समीना का बेटा बिल्कुल सही सलामत था। यह अल्लाह का मौजजा नहीं तो और क्या था कि उस बच्चे को उसकी सौतेली माँ ने पैदा होते ही चुरा लिया। बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिकल अटेंशन के उसे उठाकर ले गई और इतनी बेरहमी का मुजाहिरा किया कि उसे एक कुत्ते के पेट में छुपा दिया और फिर पूरे मोहल्ले में उसकी माँ को बदनाम कर दिया। यह सब कुछ होने में 17 से 18 घंटे का वक्त लगा था। लेकिन जब उस कुत्ते को हमारे पास लाया गया और हमने उस बच्चे को बचाया तो हम लोग हैरान थे कि बच्चा बिल्कुल जिंदा था। उसके साथ छोटे छोटे मामलात थे जिसको हमने हल किया, उसे ICU में रखा। बच्चा बहुत कमजोर था, छोटा सा था, लेकिन उसकी जिंदगी लिखी हुई थी। वह कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इतने सारे मामलात से निकलकर भी वह बच्चा बिल्कुल सही सलामत था। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। मैंने कभी किसी औरत को इतनी शिद्दत से रोते हुए नहीं देखा जितनी शिद्दत से समीना रो रही थी। उसकी सास भी रो रही थी और शौहर भी। ऐसा लगता था कि उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले करके हम सब ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा बड़ा काम कर दिया था कि इसके बाद हमारा दिल हमेशा ही पुरसुकून रहने वाला था। उन्होंने मेरा भी शुक्रिया अदा किया। अस्पताल में जो लोग काम करते थे, जो उस औरत के साथ मिले हुए थे, उनको नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। नीलू को तलाक हो चुकी थी, शायद उसका बाप उससे भी छुड़ा लेता, लेकिन अब उसको फिर से किसी ने भी अपने घर की इज्जत नहीं बनाना था। बच्चा सही सलामत था, अपनी माँ के पास आ गया था। उसकी माँ ने उसका पेट भरा तो बच्चा बिल्कुल सुकून में आ गया और अपनी माँ की गोद में ही सो गया। उसके बाद वह दीवार जो इन्होंने घर में बनाई थी उसको गिरा दिया गया और अब वो लोग अपने घर में हंसी खुशी रहते हैं। एक बच्चे ने उन सब की जिंदगी बदल दी। मुझे डॉक्टर के फराइज अंजाम देते हुए आज 10 साल हो गए हैं।
मेरी भी शादी हो गई है, मैं भी दो बच्चों की माँ हूँ। और इस वाक्य को भी पूरे 10 साल गुजर चुके हैं। उसके बेटे का नाम अहमद है, जो कि अब 10 साल का हो गया है। वह अभी भी कभी कभी मुझसे मिलने आती रहती है और आज भी ऐसे शुक्रिया अदा करती है कि जैसे यह कल की बात है। उस बच्चे को देखती हूँ तो है हैरान होती हूँ, क्योंकि वह एक चलता फिरता मौजा है। वरना जो उसके साथ हुआ था, उसकी जिंदगी खत्म होने में 2 पल लगने थे, लेकिन अल्लाह ने उसकी जिंदगी लिखी हुई थी। वह कहते हैं ना कि जितनी सांसें मुकर्रर होती है वह सारी सांसें इस दुनिया में लेकर जानी है। आप लोग बताएं कि इस कहानी के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा।